और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मजेदार सा मटन पुलाव बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी कि कुछ दिन मैं चैनल से गैर हाजिर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसकी जगह जो आपसे डिस्कशन में रहे और जिन्होंने आपको वीडियोस मजे मजे की बनाकर दिखाई कुकिंग चैनल से रिगार्डिंग, वो मेरे बेटे थे। लेकिन आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि मजेदार मटन पुलाव किस तरह बनाते हैं। आज की वीडियो में मैंने मटन इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसकी जगह बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने ये आधा किलो बोनलेस बकरे का गोश्त लिया है, इसके साथ ये लच्छेदार मैंने प्याज इस्तेमाल किया है, लेकिन जो ये प्याज है वो हम चावलों में फ्राई करके डालेंगे। ये टमाटर एक हमने चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ चंद हरी मिर्चें मैंने चार इस्तेमाल की हैं, छोटी सी एक प्याज है, प्याज हम यखनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप मैं जितनी भी चीजें बताऊंगी ये सारी यखनी के लिए हैं। नमक मैंने डेढ़ चम्मच लिया है, आप इसको हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। साबुत सूखा धनिया एक चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाले में ये देखें एक बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग, दालचीनी और ये जीरा शामिल है। इसके साथ थोड़ी सी तकरीबन एक चम्मच जो है वो हमने सौंफ इस्तेमाल करनी है, आधा चम्मच के करीब सुर्ख मिर्च हम लेंगे इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ हमने ये थोड़ी सी तकरीबन 1/4 जो है वो हल्दी ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मसाले जो हैं वो हम यखनी में इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैं ये सुर्ख मिर्च भी उठा लूंगी, हल्दी भी, कटी हुई प्याज, टमाटर भी मैं उठा लूंगी, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं उठा लूंगी। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर के अंदर ये हम गोश्त शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने ये गोश्त डाला है प्रेशर कुकर में, इसके साथ साबुत सूखा धनिया, गरम मसाला, एक प्याज साबुत, सौंफ, नमक हम थोड़ा सा भी इस्तेमाल करेंगे, आधा आधा हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो एक दफा इस टाइम भी नमक शामिल कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया और थोड़ा सा मैंने बचा लिया, आप चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं। और इसके बाद हम दो ग्लास के इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, एक ग्लास हो गया, अब ये दूसरा ग्लास। इसके बाद अब मैं कुकर को जो है वो बंद करके, बंद करने के बाद अब हम इसको वेट लगाएंगे। अगर हम सीटी की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 सीटियों बाद हम प्रेशर कुकर के नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। ये मैं तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो मैं ऑयल का इस्तेमाल करूंगी, और मैंने इसके अंदर आप प्याज भी शामिल कर दी है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको हल्का लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा होगा हम इसके अंदर यखनी वाला गोश्त ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब ये हम प्रेशर कुकर को खोलकर देखेंगे कि हमारी, और खोलकर अब हम ये देखेंगे कि क्या जो हमारी यखनी है वो तैयार है या नहीं। हमारी यखनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे ही थोड़े से प्याज लाइट ब्राउन होंगे मैं ये वाला गोश्त उसके अंदर शामिल करती जाऊंगी और साथ साथ भूनूंगी। अब जो प्याज है ये हमारे लाइट
गोल्डन जो है वो फ्राई हो चुके हैं, साथ ही में इसके अंदर हरी मिर्चें और ये टमाटर ऐड करेंगे। इसको बस 1 से 2 मिनट भूनेंगे। अब साथ ही मैं क्या करूंगी, यखनी से डायरेक्ट गोश्त निकालकर इसके अंदर शामिल करूंगी। अब इसको भूनने के बाद ये देखें जी, मैंने कुकर से ही वैसे गोश्त निकाला है और अब हम इसके अंदर साथ साथ शामिल करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको पहले भी निकाल कर सेपरेट रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट ही इस्तेमाल किया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और फिर उसके बाद सारे मसाले ऐड करेंगे। अब हम ये टेस्ट के लिए मैं कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे जायका डेवलप होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसके अंदर साथ साथ ये मसाले शामिल करूँगी, सूख मिर्च, हल्दी और ये नमक। बस हम इसको 2 से 3 मिनट मजीद भूनना है, क्योंकि जो गोश्त है वो हमारा ऑलरेडी यखनी में गल चुका है। बस हम इसको भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएं। और बाद में अब हम क्या करेंगे, यखनी वाला जो बचा हुआ पानी है वो ऐड करेंगे, और अगर आखिर में हमें जरूरत महसूस हुई कि चावलों के अंदर मजीद पानी शामिल करना है तो वो हम सादा पानी शामिल कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, अब मैं यखनी का पानी शामिल करूंगी। अब जैसे ये पककर तैयार होगा तो मैं इसके अंदर चावल शामिल करूंगी। चावल डालते वक्त हम इस बात का अंदाजा करेंगे कि पानी की मजीद जरूरत है या नहीं। ये देखें, अब इस तरह ये अंदर से सौंफ और जो सूखा धनिया है वो जितने मसाले वो सूखे हुए बच जाएंगे, इसको हम फेंक देंगे। आप चाहे तो शामिल कर लें लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जिस तरह मैंने कुकर में आपको बाकी मसाले बचे हुए दिखाए उसी तरह ये प्याज भी था, ये प्याज मैंने पहले ही निकाल लिया था। अब ये जो है पानी पकने लग गया, अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। मैंने चावल का पानी पहले ही निकाल लिया था। इन चावलों को मैंने आधा घंटा पहले साफ कर भिगो के रख लिया था। अब थोड़ा सा मजीद पानी ऐड करेंगे। ये देखें, जो चावल है वो पानी के अंदर तकरीबन इतने डूबे हुए हों, मैं आपको खबीर से भी बता देती हूँ। ये देखें, तकरीबन ये इतना बनता है, ये इसमें डूबे हुए हैं। अब हम इसको दोबारा ढांप कर रख देंगे और पानी खुशक होने का इंतजार करेंगे, और इसके बाद हम फिर इसमें जर्दा रंग ऐड कर दम लगा देंगे। अभी पानी पूरी तरह खुशक नहीं हुआ, जब पूरी तरह पानी खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। अब चावलों में जो पानी है वो खुशक हो चुका है, अब मैं जर्दा रंग, ये देखिए मिक्स किया हुआ, थोड़ा सा अपने जर्दा रंग लेकर इसको पानी में या दूध में शामिल कर लें और इसको चारों तरफ डालें। अब हम इसको दम लगा देंगे। अब हम आंच हल्की करके बिल्कुल लाइट सी और 4 से 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। ये 5 मिनट हो गए तकरीबन और चावलों को दम आ चुका है। ये देखें, दम आ चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के चावल जो है वो हमारा सेपरेट अलग है बिल्कुल। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने राइस को डिश आउट कर लिया है। मजेदार सा हमारा मटन पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये डिश पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।
ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाने से पहले डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।